इस पुलिस वाले को रास्ते में एक गिलास हवा में उड़ते हुए दिखाई देता है। पुलिस वाला ये देखकर हैरान होता है और गिलास को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। गिलास लुढ़कता है तो पता चलता है कि ये किसी चीज के ऊपर रखा था। आदमी जैसे ही हाथ बढ़ाता है तो उसे किसी चीज के होने का एहसास होता है। इतने में पुलिस वाले के हाथ में एक हैंडल आ जाता है, जिसे खोलने पर पता चलता है कि ये तो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी की कार है। पुलिस वाला कार में एक बटन दबा देता है, जिसके बाद कार दिखने लगती है और गेट बंद करने पर कार फिर से गायब हो जाती है। इतने में पुलिस वाले को एक और कार मिल जाती है, जिसके नीचे उसे एक बंदूक का कारतूस मिलता है, जिसे लेकर वो पास के एक घर में जाता है कि शायद इन्हें गाड़ियों के बारे में पता होगा। पर ये पुलिस वाले के दोस्त का घर था, इसलिए फिशर उसे बाहर ही रोक लेता है, क्योंकि घर के पीछे फिशर की टीम 12 लोगों की लाशों को दफनाने का काम कर रही थी। दरअसल फिशर की बहन को मारने के लिए फ्यूचर की कंपनी ने $10 मिलियन की सुपारी दी थी, पर फिशर की टीम पहले आर्मी में थी, इसलिए कल रात हुए हमले में ये उन सभी गुंडों को मार देते हैं जो फ्यूचर से उन लावारिस परी कारों में 50 साल पीछे आए थे।